जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे औदिच्य ब्राह्मणों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों औदिच्य ब्राह्मण के रूप में मूल इतिहास वर्ष 950 ईस्वी के आसपास से पाया जाता है। ज्ञात होता है कि वर्ष 942 में मूलराज सोलंकी ने अपने मामा व तात्कालीन राजा सामंत सिंह चावड़ा की हत्या कर अनहीलपुर पाटन के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। उन दिनों एक सत्तारूढ़ राजा की हत्या और पुजारी की हत्या जैसे अपराधों को अक्षम्य अपराध माना जाता था, जिसकी सजा आत्मदाह थी और जिसका परिमार्जन केवल श्रीमाली ब्राह्मणों के द्वारा ही संभव होता था। पर जब मूल राज श्रीमालियों के प्रिय रहे राजा सामंत सिंह की हत्या के अपराध के रूप में कुख्यात हो गए तो इस जघन्य अपराध के परिमार्जन में मूल राज को राजा घोषित करने से श्रीमाली ब्राह्मणों ने कड़ाई से मना कर दिया। अरसे से चावड़ा राजाओं के साथ जुड़े रहे गुजरात के ये याचक ब्राह्मण श्रीमाल भिनमल, जो कि राजस्थान वर्तमान राज्य के दक्षिण भाग में स्थित से आए थे। श्रीमाली ब्राह्मण राज्य के सरकारी याजक थे। उनके कार्यों में धर्म और न्याय शामिल था। उन्होंने मूल राज को आशीर्वाद देने और उसे राजा के रूप में घोषित करने से मना कर दिया था। किसी भी तरह से उन्हें समझाने, धन धमकी आदि का उन ब्राह्मणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब एक अघोषित राजा के रूप में मूल राज ने प्रायश्चित स्वरूप रुद्र यज्ञ करने और एक विशाल रुद्र यानी कि शिव मंदिर बनाने का संकल्प लिया, फिर भी श्रीमाली ब्राह्मण पुजारीगण याजक नहीं माने। मूल राज के आत्मदाह पर अड़े याचक श्रीमाली ब्राह्मणों को जब गुजरात राज्य के भावी विनाश और अराजकता के बारे में बताया गया पर उनके ऊपर इसका भी कोई असर नहीं पड़ा। उसी समय कई चावड़ा वंशजों के सिंहासन के लिए दावे भी आने शुरू हो गए थे। राज्य की सीमा पर दुश्मनों ने गुजरात को जीतने के लिए अपनी सरगर्मियां तेज कर दी थी। अगर राज्य को बनाए रखना था तो निश्चित ही मूल राज और श्रीमालियों के बीच सुलह की अत्यधिक जरूरत थी। लेकिन श्रीमाली याजक परिस्थितियों को समझने के बाद भी मूल राज की हत्या के दंड से मुक्त करने के पक्षधर नहीं थे। अंततः मूल राज के मित्रों और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने गोपनीय रूप से देश के भिन्न भिन्न इलाकों से विद्वान ब्राह्मणों को लाकर बसाने व उन्हें वह सब देने का निर्णय लिया जो अब तक श्रीमालियों को मिलता रहा था। तुरंत इस काम को करने के लिए मंत्री माधव के नेतृत्व में कई दलों को गंगा और यमुना नदियों के मैदानों में स्थित विभिन्न महत्वपूर्ण व ब्राह्मण बहुल इलाकों में भेजा गया और वहां के विद्वान ब्राह्मणों को लुभावने स्थायी प्रवास व अनुपम राजकीय प्रश्रय व व्यवस्था का लोभ देकर गुजरात आने के लिए राजी करवाया गया। किसी भावी साजिश से बचने के लिए यह भी सुनिश्चित किया गया कि सब ब्राह्मणों को अलग अलग स्थानों से लाया जाए। मूल राज और उनके मंत्री माधव ने इस बाबत अपने पुरखों की भूमि कन्याकुब्ज से बुलाए गए ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी ताकि अन्य सहित पूर्व के श्रीमाली ब्राह्मणों के वर्चस्व की कमी हो सके। इस प्रकार मूलराज खुद एक वैद्य राजा हो सकता और नवागंतुक ब्राह्मण परिवार पर उनकी पकड़ भी बनी रहती। इस प्रकार योजना अनुसार 1037 ब्राह्मण परिवारों का एक बड़ा कारवां सिद्धपुर पाटन पहुँचा। अब तक के अघोषित राजा मूल राज ने कहे गए वादों से अधिक की सुविधा दिलवा कर उन्हें सदा के लिए अपना बना लिया। परंपरागत रूप से ब्राह्मणों को अपने प्रवास या मूल के स्थान के द्वारा जाना जाता था, अतः उत्तर दिशा से आने के कारण और अतीत के विभिन्न गोत्रों से मिलकर बने ब्राह्मणों के इस बड़े समूह को आधिकारिक तौर पर सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण नामित किया गया था। संस्कृत में औदिच्य का अर्थ होता है उत्तरी दिशा। इस प्रकार गोत्र मूल यथावत रहा और स्थान राजा मूलराज सोलंकी द्वारा प्रदत्त श्री स्थल जो कालांतर में सिद्धपुर पाटन के रूप में जाना जाता है वही उनका स्थायी स्थान बना।
इस प्रकार गोत्र के नाम और संख्या परिवारों के उनके मूल स्थान पर बसने के अनुसार हुई। जमदग्नि, वत्सस, भार्गव, द्रोण, दालभ्य, मंडव्य, मोनाश, गंगायन, संकृति, पौलात्स्य, विशिष्ट, उपमन्यु, सो, चैवन, आश्रम, कुल, उद्वाहक, पराशर, लोधक्षी, कश्यप, नदियों गंगा और यमुना, सिंघोरे और सिद्धपुर क्षेत्रों से 105 विमान, 100 सरयू नदी, 2 भारद्वाज, कौंडिन्य, गर्ग, विश्वामित्र, 100 कन्याकुब्ज, 100 कौशिक, इंद्र कौशिक, शंताताप, अत्रि, 100 हरिद्वार क्षेत्र और ओदालक, कृष्णात्रि, श्वेतात्रि, चंद्रत्रि, 100 नेमिषारण्य, अत्रि काशिक, 70 गौतम औदाथ्य, कृत्सस, अंगिरस्य, 200 विमानों, कुरुक्षेत्र, 4 शांडिल्य, गोभिल, पिपल्लाद, अगस्त्य, 132 सिद्धपुर पाटन पर पहुँचने पर औदिच्य में पुष्कर क्षेत्र के गांव बसे। 1037 परिवारों में से 37 परिवारों ने श्रीमाल ब्राह्मणों के तर्क में सच्चाई समझकर राजा की योजना में भाग नहीं करने का फैसला किया। वे एक समूह में अलग चला गया। उनका निर्णय मूलराज को सूचित करने के बाद से वे एक समूह के साथ अलग चले गए। वे टोलाकिया औदिच्य ब्राह्मण के रूप में जाने जाते थे। बाकी औदिच्य सहस्त्र ब्राह्मणों के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वे 1000 की संख्या में आए थे। अधिक होने से 1000 ब्राह्मण परिवारों का बोलबाला रहा। राजा मूलराज सोलंकी ने दूसरे पक्ष के ब्राह्मणों को समझाया, यह एक मजबूत राज्य को बनाए रखने और धर्म और सभ्यता के रूप में अच्छी तरह से व्यापार और राष्ट्र की समृद्धि को स्थिर करने के लिए भी जरूरी था कि उन सबको भी अपना बनाकर रखा जाए। इसके लिए जरूरी था। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि सोलंकी राज्य के रूप में लगभग 300 वर्षों तक समर्थ और समृद्धि से भरा फला गुजरात रहा था। बाद में 1297 में भारत पर इस्लामी हमले के कारण यह नष्ट हुआ। कालांतर में समय परिवर्तन के साथ साथ वे औदिच्य देश के विभिन्न भागों में वहां के राजे, महाराजे और अन्य आश्रय में चले गए। कुछ तीर्थ स्थानों पर पुरोहित्य का काम या खेती किसानी करने लगे। गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण द्वारा रुद्र महाल्य और पाटन शहर विनाश होने के बाद विक्रम संवत 1353 के आसपास उस क्षेत्र के औदिच्य ब्राह्मण कड़ी, चनस्मा, कर्णावती जैसी जगह पर चले गए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया औदिच्य ब्राह्मणों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।